आज हमने हैदराबाद में असल स्टील की आगाही के लिए एक प्रोग्राम रखा था। आज हमारा जो इवेंट करने का मकसद था ना, वो यही था कि हम लोगों को गाइड कर सकें, एक इंडक्शन फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का बेसिक फर्क बता सकें। तो आगे स्टील एक अच्छा स्टील है, इसमें तमाम कॉन्ट्रेक्टर्स को और शहर के जितने भी बिल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था। उम्मीद करते हैं ये ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि एक्चुअल स्टील है क्या। आगा स्टील इंडस्ट्री की जानिब से हैदराबाद के मुकामी होटल में डिस्ट्रीब्यूटर एम इकबाल एंड सन्स के इश्तराक से स्टील अवेयरनेस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तकरीब में आगा स्टील इंडस्ट्री के जीएम सेल्स सैयद अली नासिर, टेक्निकल इंजीनियर मैनेजर फरहान खान, हेड ऑफ कमर्शियल सेल्स साउथ अली शेख, इकबाल एंड सन्स के सीईओ उमर इकबाल, डायरेक्टर खुरम इकबाल, फैसल इकबाल, फवाद शेख, हयात पाटोली समेत कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और डीलर्स ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौके पर टेक्निकल इंजीनियर मैनेजर फरहान खान ने स्टील के हवाले से शुरका को आगाही दी और तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि आगा स्टील मुनफरिद अंदाज में काम कर रही है और अपने मयार के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। जीएम सेल्स सैयद अली नासिर ने अपने खिताब में एम इकबाल एंड सन्स की खिदमात को सराहा और उनकी काविशों की तारीफ की। तकरीब के अख्तिताम पर एम इकबाल एंड सन्स की जानिब से आगा स्टील इंडस्ट्री के अफसरान को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक के तहफ पेश किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली नासिर है जी, मैं जनरल मैनेजर हूँ आगा स्टील में। आज हमने हैदराबाद में असल स्टील की आगाही के लिए एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं एम इकबाल एंड सन्स, उन्होंने अपने कुछ कस्टमर्स को मधु किया था यहाँ पे, जिनको कि हमने जो हमारा आगा स्टील का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से सरिया बनता है 100% रिफाइंड, उसको यूज़ करने के फ़ायदे और जो उसकी एडवांटेजेस हैं ओवर इट्स कंपैरेटर्स, वो हमने अपने कस्टमर्स को बताए हैं। बेसिकली मैं एज अ टेक्निकल मैनेजर सर्विसेज आगा स्टील में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और बेसिकली आज हमारा जो इवेंट करने का मकसद था ना, वो यही था कि हम लोगों को गाइड कर सकें, बेसिकली एक इंडक्शन फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का बेसिक फ़र्क बता सकें। तो अगर आप देखें तो इंडक्शन फर्नेस जो है वो जैसे एक हांडी है जो स्क्रैप आपको मेल्ट करके और एक सरिया बना के दे देती है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को देखें तो वो आपको 100% रिफाइंड सरिया दे रही होती है जो कि आप कंपोजिशन सेट करके ले रहे होते हैं। तो ये बाइस से फ़ख्र की बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ आगा स्टील के पास ही इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मौजूद है जो आपको खालिस तरीन सरिया देती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि हर बार असल, बार बार असल और हमेशा असल। आज हैदराबाद शहर में हमने हमारे अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर एम इकबाल एंड सन्स, जिसके ऑनर हैं खुर्रम भाई, उमर भाई, इनके तावन से हमने एक जो है गैदरिंग यहाँ पे की है विद द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द बिल्डर्स। मकसद इस जो है तकरीब का सिर्फ एक ही था कि हम एक जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं स्टील की दुनिया के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो गई, मीडा टेक्नोलॉजी हो गई, उसके फ़वाद बताना और एक असल सरिये की पहचान करवाना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा हैदराबाद में, और उम्मीद है कि तमाम लोगों के साथ वो जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हमारे शेयर हुआ। तो यह है कि इंशाल्लाह वक्तन बवक्तन हम ये इवेंट्स करते भी रहेंगे। हमने ये प्रोग्राम इकबाल एंड सन्स के तवसुल से आगा स्टील और इकबाल सन्स की कॉलब्रेशन के साथ इंडस होटल के अंदर प्रोग्राम रखा। यहाँ पर हमने हैदराबाद के अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स, एक्सचेंज वगैरह लोगों को बुलाया, उनको अवेयरनेस दी रिगार्डिंग आगा स्टील। और हम उम्मीद करते हैं ये ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि एक्चुअल स्टील है क्या, असल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है क्या। तो हम होप उम्मीद करते हैं कि ये हम लोगों तक अपना प्रोग्राम पहुंचा सकें इस प्रोग्राम के थ्रू। आज आगा स्टील्स के बारे में सेमिनार था, प्रोग्राम था उनका, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीफिंग उन्होंने दी है आगा स्टील के हवाले से, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्योरीफिकेशन। और यहाँ पर मोहम्मद इकबाल साहब के पास इनकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से उन्होंने बताया। तो हमने जो देखा इनकी फिल्मिंग और जो बताया उन्होंने, ब्रीफ किया, लगता है कि ये आजकल पाकिस्तान में बहुत अच्छे किस्म की प्रोडक्शन बनाई है इन्होंने स्टील की। उम्मीद है कि ये तामीराती सनत में इनकलाब लाएगा और
अच्छी कंस्ट्रक्शन होगी, पायदार कंस्ट्रक्शन होगी अगर आगा स्टील इस्तेमाल करेंगे तो। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा आगा स्टील वालों ने, और माशाल्लाह इसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिली हमें। एज ए बिल्डर मैं खुद आबाद का मेंबर हूँ, तो माशाल्लाह से अच्छा सिस्टम था, और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी आज आगा स्टील वालों ने कन्वेंस कर दिया हमें। अब हमारा 100% माइंड होता है कि कोशिश करेंगे कि आगा स्टील यूज़ करें। तमाम कॉन्ट्रेक्टर्स को और शहर के जितने भी बिल्डर्स हैं उनको इन्वाइट किया गया था, तो आगा स्टील एक अच्छा स्टील है।